वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, शक्ति मिल गैंगरेप केस में सजा का ऐलान हुआ है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस वक्त की बड़ी खबर, मौत की सजा उम्र कैद में बदली है। तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, निचली अदालत ने मौत की सजा दी थी लेकिन अब इस सजा को बदलकर उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। शक्ति मिल गैंगरेप केस में ये सजा बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। मौत की सजा उम्र कैद में तब्दील की गई है। तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। विवेक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विवेक, क्या कुछ दलीलें रखी गई इस सजा को बदलने के पीछे? ऋतिका, देखिए जो अब जो बड़ी खबर बॉम्बे हाईकोर्ट से आई उसमें साफ तौर पर 2013 के जो बहुचर्चित शक्ति मिल गैंगरेप मामला था, जिनमें से मुंबई की सेशन कोर्ट में 5 में से 3 आरोपियों को मौत की सजा सुनाई थी। अब वो मौत की सजा हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है और तीनों आरोपी जो तीनों दोषी पाए गए थे उन्हें अब ताउम्र तक लाइफ टाइम तक जेल में रहना पड़ेगा। इस पूरे मामले में 5 आरोपी थे जिनमें से 3 को सजा सुनाई गई थी मौत की सजा, 5 की सजा सुनाई गई थी। बाकी के जो 2 आरोपी थे उनमें से एक नाबालिग था और जो आखिरी आरोपी था वो उसमें अप्रूवर बन गया था। तो 3 दोषियों को मुंबई के सेशन कोर्ट ने 5 की सजा सुनाई थी। इस 5 की सजा को जो दोषियों के वकील हैं उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट को चैलेंज किया था और बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोषियों को राहत देते हुए कहा कि जो 5 की सजा है वो एक हीन क्राइम है या फिर रेयर ऑफ रेयर के कैटेगरी में नहीं आती है, इसलिए इस सब की जो 5 की सजा थी उसे रद्द कर ताउम्र यानी कि लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई है। बिल्कुल, शुक्रिया विवेक गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। तो निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी और अब उम्र कैद की सजा को बताया गया है हाईकोर्ट की तरफ से।